नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के नाजिरपुर गांव में गत दिवस दिन रविवार 12/8/2018 को बिजली का तार टूटने से एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक का नाम कृष्ण कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह था। आज 18/8/2018 को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लाल सिंह लोधी शोक संवेदना व्यक्त करने गए। वहां ग्रामीणों का कहना कि इतनी दुर्लभ घटना होने के बावजूद भी अभी तक विद्युत विभाग से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी तार जुड़ने तक नहीं आया। उप प्रत्याशी लाल सिंह लोधी का कहना है कि आज तक तहसीलदार, लेखपाल कानूनों को आम में नहीं पहुंचे। SDM करावली से इस घटना के बारे में अवगत करवाया गया। गांव में अभी तक बिजली का तार तक नहीं जोड़ा गया। ये लोधी समाज का मामला था। अगर कोई दूसरे समाज का मामला होता तो विद्युत विभाग के अधिकारी व शासन दौड़ने लगते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसमें समाजवादी पार्टी के डॉक्टर रूमल सिंह, कुलवंत राजपूत, राजकुमार बच्चू सिंह, चूजात राजपूत, देवेंद्र फौजी, वीरेंद्र आदि शामिल रहे। बात करेंगे, अगर ऐसे अधिकारी जो लेखपाल हैं अगर काम करना नहीं चाहते, ऐसे अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करें। SDM साहब से हम कल मिलेंगे इस बात को लेकर। अच्छा नेताजी, ये SDO आए यहाँ अभी बिजली विभाग का, SDO साहब बहुत बड़ी बात है। यहाँ कोई जे नहीं आया, कोई SDO नहीं आया, ना संबंधित विभाग अधिकारी आया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो संबंधित लेखपाल है, लेखपाल भी मौके पर नहीं आए, ना कानून को आए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक जनहानि, एक लड़का गुजर गया, बताइए कितनी बड़ी घटना हुई है। इन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी मानवता के नाते तो इनको आना चाहिए। क्या आप जो है अगर JEE और SDO नहीं आए तो क्या आप जो एक्सीएन के पास जाना चाहेंगे? हम एक्सीएन साहब से बात नहीं करेंगे, हम सीधे DM साहब और इनके जो बड़े अधिकारी हैं MD साहब, उनसे बात करेंगे। और ये लोग अगर इस तरह से काम नहीं करेंगे तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी।